उसका वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं बेटा, जर्नल एंट्री। तो एग्जाम में की जाएगी जर्नल एंट्री ही, पर उसकी वर्किंग नोट हमने आज तक सीखी है, पिछले जितने लेक्चर हुए, बराबर बोल रहा हूं मैं? ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, और जैसे ही एक प्रॉब्लम होगा आपको फिर से करने के लिए दिया जाएगा, अलाउड है ना? वैसे मतलब सेम प्रॉब्लम, होमवर्क वगैरह अलाउड है कि नहीं है? नहीं है। चलो अभी बेटा, कल मैंने आपको तीन एंट्री होमवर्क के लिए दी थी, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दैट? पहला था पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख, इज इट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन? नहीं किया? किया, बोलो व्हाट आर द टू अकाउंट बेटा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज पर्सनल अकाउंट रिसीवर, तो डेबिट होगा, और कैश गोज आउट, कैश विल बी क्रेडिट। तो एंट्री कैसे लिखोगे बताओ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। तारीख क्या थी बेटा? 13। यहां पे लिखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपया बेटा? हाँ, अमाउंट 1 लाख। कितने लोगों ने नहीं किया बेटा, भूल गए? नहीं किया कारे राजा, क्यों नहीं किया? हाँ, भूल गए? मैं आपका असिस्टेंट बन जाता हूँ आज से, राजा होमवर्क करा बोल के रात में 9 बजे कॉल करते जाता हूँ, अलाउड है क्या वैसे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाँ इंग्लिश है बेटा, कुछ भी लिख सकते हो, बैंक लिखना चाहिए ना, कहाँ पे भरा भैया? नारेशन के सबसे अच्छी स्टाइल क्या है सुन के लो, अगर अपने को कुछ भी नहीं आता है जस्ट कॉपी पेस्ट। क्या होगा कॉपी पेस्ट? बींग वर्ड लगा दोगे और आगे क्या लिखोगे बोलो? बींग पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। डन। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 4000 वेयर लॉस्ट बाय थेफ्ट, 4000 के गुड्स चोरी चले गए, बोलो एंट्री। हाँ, तो सिर्फ लॉस्ट बाय थेफ्ट भी लिखा तो चलता है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट लिखा तो भी चलता है। सो लॉस बाय थेफ्ट इज अ लॉस, इट इज डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू क्या चले गए? गुड्स। तो आप एक तो गुड्स लिख सकते हो, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? परचेसेस। कितने के गुड्स चोरी गए? 4000। नरेशन लिखने का, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, सॉरी थेफ्ट। अगर ये लॉस बाय फायर होता तो क्या होता? नहीं, और एंट्री क्या होती? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है बेटा? आ रहे आज ऑनलाइन कर रहे, पहला क्लास है क्या? बाकी तो रोज वाले ही दिख रहे। ओके बेटा, वेदांत और किसी का पहला क्लास है बेटा आज? नहीं ना, चलो नेक्स्ट देखिए। इसके बाद का ट्रांजैक्शन, पेड रेंट, बोलो बेटा दो इफेक्ट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग रेंट पेड, अमाउंट बोलो बेटा कितना है? 8000, बीइंग रेंट पेड, बींग रेंट पेड फॉर कैश, ऐसे भी चलेगा, बींग रेंट पेड शॉर्टकट और गुड, बींग रेंट पेड, बींग रेंट पेड, हो गया। आगे बढ़े बच्चा, आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट है, ये थोड़ी सी अच्छी एंट्री है, आई एम 100% श्योर कि सबकी सबको इमीडिएट नहीं समझेगी, कोशिश करो, देन विल सी।
तैयार हो बेटा सब लोग, देखो क्या दिया है। रिसीव्ड कैश 35,000 फ्रॉम सुप्रिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जब भी वर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आता है तो वहां पे कैश डिस्काउंट होता है। क्या होता है बेटा? कैश डिस्काउंट। और हम हमारे बुक में ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, पर कैश डिस्काउंट लिखते हैं, राइट? तो बेटा सुप्रिया से रिलेटेड कोई एंट्री पहले आई थी का चेक करो। आई थी, वेरी गुड। कहां पे थी सुप्रिया? सुप्रिया दिखी क्या? सुप्रिया अभी देखो यहाँ पे, सुप्रिया डेबिट दिख रहा है क्या? सुप्रिया डेबिट यानी सुप्रिया डेटर है, सुप्रिया से 36,000 आने थे। सुप्रिया बोली कि भैया तू 35,000 ले और बस आज से अपना हिसाब खत्म। अपन बोले ठीक है चल 35 दे और विषय खत्म कर। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? हमने उसको डिस्काउंट दिया। इट इज नॉट बैड डेट्स, हमने उसको क्या दिया? डिस्काउंट। समझो बेटा, इससे मुझे 10,500 आने थे फीस के। ये बोला सर मैं आज की आज देता हूं, मैं 10,000 देने को तैयार हूं। ठीक है 10,000 दे, विषय खत्म कर। इट मीन 500 rupees इज अ कैश डिस्काउंट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो सुप्रिया से कितना रुपया आना था पास्ट में? 36। वो अभी दे कितना रही है हमको बोलो बेटा? 35। कम ही देंगे ना, तो कम दे रही है। कितना कम दे रही है बताओ? 1,000। तो 1,000 रुपया क्या है बोलो? इट इज कैश डिस्काउंट। अब मुझे बताओ ये जो 1,000 कैश डिस्काउंट है, तो इस एंट्री में बेटा 3 अकाउंट आएंगे। कितने अकाउंट आएंगे? 3। जनरली कितने की आदत है हमको? बट अकाउंट में 2 अकाउंट होते हैं, ऐसे किसने बोला? डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अभी कल की पहली एंट्री में कितने अकाउंट थे बेटा? देखो ना, 4 थे। 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, कितने भी। बट व्हाट इज द लॉजिक? योर डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अब बेटा मैं जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके आंसर दो। किसने पैसा दिया? वेरी गुड बेटा। सुप्रिया से कितना रुपया आना था? 36 आना था, राइट? सुप्रिया ने क्या दिया हमको? चेक दिया या कैश? कैश। कितनी कैश दी बेटा? 35। इसका मतलब हमने सुप्रिया को डिस्काउंट दिया। हम जब किसी को डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलने का बेटा उसको? डिस्काउंट अलाउड। और अगर हमको डिस्काउंट मिलता है तो क्या बोलने का? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आप मुझे बताओ बेटा इसमें का सुप्रिया कौन सा अकाउंट है? अरे पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। और डिस्काउंट? नॉमिनल। वेरी गुड। अब सुप्रिया ने हमको पैसा दिया तो सुप्रिया इज रिसीवर और गिवर? बोलो ना सब लोग, गिवर। नहीं बोलते हो तो मैं और 20 बार रूल लिखाने को बोलता हूं। बोलो गिवर। तो सुप्रिया क्रेडिट होगी। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल का रूल क्या है बोलो? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सुप्रिया ने हमको पैसा दिया, कैश कम्स इन और गोज आउट, तो सुप्रिया कैश क्या होगी? डेबिट। हमने सुप्रिया को डिस्काउंट दिया, इज इट आवर एक्सपेंसेस लॉस और इनकम एंड गेन्स? लॉस है ये अपना, तो लॉस क्या होता है? डेबिट। अब बताओ इस एंट्री को पढ़ोगे कैसे? कैश अकाउंट डेबिट 35,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू सुप्रिया 36। बताओ डेबिट की टोटल 35 और 1 कितनी हुई? 36। क्रेडिट की टोटल कितनी हुई? 36। यालाच काय म्हणतात? डबल एंट्री बुक कीपिंग। मुझे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, है कि नहीं? मजेदार। चलो लिखो यहाँ पे तारीख क्या थी बेटा? नहीं बोलोगे तारीख? 20। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, कितना आया बेटा कैश? 35। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना है बच्चा? 1,000। 1,000 डिफरेंस है बेटा, समझे क्या? सुप्रिया और अपने अमाउंट का डिफरेंस। और सुप्रिया से आना कितना था बेटा? 36। ये कहां से पता चला? पुरानी एंट्री से। तो यहाँ पे नरेशन बीइंग, देखो नरेशन कितना इजी लिख रहा हूं मैं, आपके सेंटेंस को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं। देखो क्या लिख रहा हूं, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड, देखो क्या लिखा मैंने, डिस्क मोबाइल बंद रखो बेटा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। क्या है नरेशन? बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड।
मैं आपको और एक एग्जांपल समझाने वाला हूं, सब लोग मुझे आंसर देंगे इसके बाद। लिख लो इसको, बेटा मुझे आप सबसे अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी हुई है वो चेक करना है। सुप्रिया कौन थी? डेटर थी। डेटर थी कैसे पता चला? क्योंकि उसको गुड्स बेचा था, उससे पैसा आना था। अब जरा ध्यान से सुनो, मुझे आपको कितना समझा बताना है। ये अर्पिता दिख रही है सबको? अर्पिता डेटर है या क्रेडिटर है? हमने उससे परचेस किया तो क्रेडिटर है। अब समझो अर्पिता हमको बोल रही है कि भैया तू 18,000 पेड कर दे और अपना हिसाब खत्म। अर्पिता अपने को बोल रही है कि तू 18,000 पेड कर और अपना हिसाब खत्म, तो कौन से तीन अकाउंट आएंगे बताओ? तीन अकाउंट कौन से आएंगे? कैश आएंगे, अर्पिता आएगा और डिस्काउंट। रॉन्ग, नहीं सुनाई दे रहा है। डिस्काउंट रिसीव, हमको मिल रहा है डिस्काउंट। अरे बच्चा, आप किसी को पैसा देते हो तो वो आपको डिस्काउंट देता है, आपको कोई पैसा देता है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो यहाँ के तीन अकाउंट क्या रहेंगे बताओ? कैश, कैश कितनी दे रहे हैं हम लोग? 18। अर्पिता को कितने देने थे बेटा? 19। और उसने खुश होकर अपने को डिस्काउंट दे दिया, तो उसको डिस्काउंट अलाउड नहीं बोलने का, रिसीव्ड बोलने का। समझे? बोलो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? पहले यह उत्तर दो। रियल, अर्पिता, डिस्काउंट, नॉमिनल, या ऐसे एंट्रीज में तीनों अकाउंट आते हैं, इसलिए इतने बार बता रहा हूं। कैश पेड की तो कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट। अर्पिता को दिया, अर्पिता रिसीवर है या गिवर? डेबिट। और उसने अपने को डिस्काउंट दिया, एक्सपेंसेस है या इनकम? एक्सपेंसेस है या इनकम? इनकम, क्रेडिट। पढ़ोगे कैसा बोलो? अर्पिता अकाउंट डेबिट 19,000 टू कैश 18,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। इज दिस क्लियर? चलो अब लास्ट एंट्री क्या दी है पढ़ो जरा। पेड स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी परचेस 16,000। बोलो बेटा दो अकाउंट कौन से रहेगा? पहला रहेगा स्टेशनरी और दूसरा कैश। बोलो स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कैश कौन सा है बेटा? रियल। If you paid for stationery, it's a expenses. क्या होगा? Debit. And cash comes in or goes out. Credit. बोलो answer क्या होगा? Stationery account debit to cash. Stationery account debit to cash. Amount बोलो बेटा। 16। तारीख? Being paid for stationery. ये सारी एंट्री होने के बाद ऐसे यहाँ पे टोटल करना कंपलसरी होता है, डेबिट और क्रेडिट का सेम आता है वो। करो बेटा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग स्टेशनरी परचेस, इतना ही लिखा तो भी चलेगा, या बीइंग स्टेशनरी परचेस फॉर कैश और बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी परचेस, कुछ भी लिखो सब बराबर, कुछ तो लिखो। लेकिन नरेशन में तुम्हारा नाम और एड्रेस भी लिख के आया तो कोई नहीं पढ़ता है, कुछ तो होना चाहिए बस। कोई भी नया है, स्टूडेंट है तो जस्ट बेटा खाली लिख लो। अभी हम लोग हर बार रिवाइज करेंगे आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके। डन। हर 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार वापस फिर से पढ़ाया जाएगा बेटा, अलग से बुला। चलो हो गया सबका डन। अब जरा कुछ अलग करने वाले अभी हम लोग। याद हो गया सबका? पक्का हो गया? चलो अभी क्या करना है,
बेटा ये दिख रहा है सभी को ट्रांजैक्शन दिख रहा है क्या? इसकी खाली एंट्री करनी कैसी, 1 2 3 4 5 एक के नीचे एक, डायरेक्ट आप वर्किंग नोट करके मुझे एंट्री बताओगे एक एक करके, वहां पे जगह नहीं है तो आगे पीछे करो। ये है मेरा पेज नंबर 24 है क्या? देखो थोड़े इजी वाले ट्रांजैक्शन ले रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। नोटबुक ओपन कर लो, नहीं तो बेटा एक काम करो नोटबुक ओपन करके, है क्या जगह वहां पे? है पक्के से? है या नहीं है? है तो बेटा वहां पे जगह कुछ अलग कारण के लिए दी है और हमको कुछ अलग करना है, तो जस्ट ओपन द नोटबुक, प्लीज ओपन द नोटबुक। और नोटबुक में एक बेटा दो पेजेस के लिए ऐसा ड्रॉ कर लो, सब लोग जर्नल ड्रॉ कर लो बेटा, ड्रॉ द जर्नल, ड्रॉ द जर्नल, ड्रॉ द जर्नल प्लीज। इसको जर्नल बोलते हैं, ये आज जो मैं प्रैक्टिस लूंगा 25 एंट्री की, ये आपको हमेशा के लिए जर्नल का लॉजिक क्लियर कर देगा। ये जानबूझ कर ले रहा हूं, मैं ऐसे कभी लेता ही नहीं। आप में से कुछ लोगों के चेहरों पे अभी भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसीलिए ले रहा हूं। नोटबुक में करो, प्रॉब्लम के नीचे मत करो। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट क्रेडिट कर लो ड्रॉ। स्केल क्या दिक्कत आता है? बहुत लोग अब्सेंट है आज, ऐसा नहीं चलेगा। अबे आज डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सिखाया, आज कोई अब्सेंट है तो कहां से समझेगा डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिस्क। क्लास ला दांडी नहीं मारे इच। हो गया बेटा? अभी है ना विदाउट नरेशन चुटकु चुटकु एंट्री है, आपको आती है क्या? देखते हैं। पहला है सुशील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बोलो बेटा दो अकाउंट कौन से आएंगे? कैपिटल और कैश, बराबर है। सुशील ने बिजनेस को पैसा दिया तो ये पर्सनल अकाउंट है। बोलो उसने कैपिटल दिया तो ही इज रिसीवर और गिवर। गिवर कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल। बिजनेस में पैसा आया, कैश कम्स इन गोज आउट, कम्स इन, तो ये क्या होगा? डेबिट। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे बोलो बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। आगे टू बोलो कैपिटल। क्रेडिट को क्या लिखते हैं हम लोग? टू। कितना है बेटा? 10,000। नरेशन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लेनी है स्मॉल एंट्री की। चलो करके बताओ बाकी चार, बाकी चार बेटा। एडिशनल कैपिटल को भी कैपिटल ही बोलने का, हाँ करके बता।
आ रहा है बेटा, चलो कोशिश करते हैं, विल डू इट। हाँ ब्रदर, हाँ चालू झाले का आजपासून? नाही का? एक मिनिट, हे त्याचा नंबर आहे ना, पवन इंटरचा एक्झिक्युटिव्ह चालू, पवन सरांना बोलायला जाय। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंट्री है, सुनो। परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो इसमें क्या एक अकाउंट तो परचेस है, आया ना? अभी दूसरा अकाउंट पार्टी का नाम नहीं दिया है पर वर्ड क्रेडिट दिया है, पार्टी का नाम नहीं दिया है पर वर्ड क्रेडिट दिया है, तो कैश लिख सकते हो क्या आप? तो फिर पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, पर पार्टी का नाम तो दिया नहीं है। तो जब भी बेटा आप किसी को सेल करते हो और पार्टी का नाम नहीं दिया तो वहां पे लिखने का टू डेटर या जो भी है डेबिट क्रेडिट, और जैसे यहाँ पे परचेस किया है तो पार्टी का नाम नहीं दिया है तो उसको लिखते हैं क्रेडिटर। क्या लिखते हैं बेटा? क्रेडिटर। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड का, परचेस अकाउंट डेबिट। ये क्या बेटा? नहीं लिखने का, बोल दिया ना अभी एक बार, परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, अभी गुड्स यूज ही नहीं करना है अपने को। परचेस अकाउंट डेबिट, आगे क्या लिखा सब लोगों ने बताओ, अब मुझे सुनना है। आप कैश तो बेटा होगा ही नहीं, डेटर कैसे होगा? तो क्रेडिटर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रेडिटर। ज्याला ज्याच्या कडून आपण खरेदी करतो उधारीवर त्याला अकाउंट मध्ये काय म्हणतात? क्रेडिटर। जिससे आप उधारी में लाते हो उसको क्रेडिटर, और जिसको उधारी में देते हो उसको डेटर। ठीक है, कितना रुपया था बेटा? 3,000। चलो बहुत बढ़िया, आगे नंबर तीन बोलो। ये तो एकदम चिल्लर था बेटा, बोलो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत ही बढ़िया, लिखो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो अमाउंट 500, 500 रुपया। आगे बेटा नंबर चार देखो, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर नाम के व्यक्ति को पैसा दिया, बोलो। हाँ, कैश और क्रेडिटर, तो क्रेडिटर रिसीवर हो गया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और पैसा चला गया टू कैश 1,000, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लास्ट नंबर पांच, ये तो सेम था बेटा फर्स्ट, और कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट। एडिशनल ये वर्ड क्यों बोला है? फिर से आया इसलिए उसको एडिशनल बोलते हैं, पर लिखने का कैपिटल ही। कितना रुपया आया फिर से? 5,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अब इसी जर्नल को कंटिन्यू करना है सबको। ऑनलाइन वाले आपको आया क्या बेटा? वेदांत, सौरभ, समीक्षा, आर्या, दो लोग, तीन लोग, साढ़े तीन लोग। चलो आगे, अब देखिए नेक्स्ट वाला, इसके ही जर्नल को कंटिन्यू कीजिए। अभी ये पांच करके बताओ, ये पांच करो बेटा, आएगा सबको मुझे पता है, कोशिश करो, उसके ही नीचे करो 6, 7, 8, 9, 10 नोटबुक में। पहला तो चिल्लर है, तीसरा भी इजी है, दूसरा भी इजी है, चौथा भी इजी है, सारे इजी है, करो नहीं तो मैं हूं ना। पांच में से अगर एक भी नहीं आता है तो आपको जरूरत है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करें या फिर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। पांच में से दो आ गए तो आप एवरेज हो, तीन आ गए तो आप गुड हो, चार आ गए तो यू आर नियरेस्ट टू बेस्ट, पांच के पांच आ गए तो यू आर द बेस्ट। कोशिश करो बेटा, सबको आएगा। और पांच में से एक भी नहीं आ रहा है तो सर वेस्ट है तुम्हारे, फिर सर कोई नहीं पढ़ाता। कोशिश करो, कोशिश करो।
करो कोशिश। चलो देखती है।
ऑनलाइन स्टूडेंट, रियली सॉरी आप बोल भी नहीं रहे हो। देखो बेटी, पहले का आंसर राज स्टार्टेड द बिजनेस, उसका आंसर था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा बोरोड फ्रॉम अनिल का आपने लिखा हुआ आंसर है कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल, पर उसको थोड़ा रेक्टिफाई करो, जब बोरो वर्ड आता है तो उसको लोन बोलते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल लोन। तीसरा है पेड सैलरी, तो क्या एंट्री होगी बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चौथा है बेटा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये मैंने सिखाया था वैसे ही बोलो, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। और लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम हो गई, बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। सिर्फ इंटरेस्ट लिखा तो भी चलता है, पर इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखोगे तो ज्यादा अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। किसी को कुछ डाउट है बेटा, बोला ना विचारा काही असेल तरी बिंदास, ऑनलाइन स्टूडेंट पूछो कुछ भी डाउट है तो। क्लियर बेटा सबको, पक्का शत प्रतिशत। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर तीन, उसके नीचे कंटिन्यू करो एंट्रीज, करो बेटा सब लोग। अभी देखो इसमें से एकदम इजी वाले कौन से है, पहला बराबर है या नहीं, ये तीसरी बार आ रहा है सेम, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, करो पांचों भी इजी है, कोशिश करो, नहीं तो मैं बताता हूं।
अब आप कुछ भी जीने के भी लायक नहीं हो। बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बहुत अच्छे। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, बहुत बढ़िया। परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस शेयर फॉर बिजनेस, किसी का भी नहीं आ रहा है मेरे भाई, समझो ये चेयर है या ये चेयर है, इसको क्या बोलेंगे? अरे गधा लोग, फर्नीचर, क्या बोलते हैं? फर्नीचर, रिप्रेजेंटेटिव नाम लिखने का। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इट इज नॉट एक्सपेंसेस, इट इज एसेट। ठीक है कि ना? चेयर चाइनीज थोड़ी है, दो दिन में खराब होने, 5-6 साल चलेगी, एसेट है। सो ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी लिख लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस, परचेस, चेयर। परचेस गुड्स के लिए यूज होता है बेटा, गुड्स है क्या वो? गुड्स है क्या? मैं बेचने वाला हूँ क्या? तुम आए सर ये चेयर बहुत अच्छी लग रही, देते हो, मैं दूंगा क्या तुझे? नहीं दूंगा। और लास्ट वाला, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लास्ट वाला, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ है 15 एंट्री आए सबको, राइट। अब लास्ट 5, नहीं अभी तो बहुत टाइम है, और भी 10 हो जाएंगे, ये हो गया। चलो अभी ये इसमें आ जाओ, अब जरा मैं जितने बोल रहा हूँ उतने करो, बाकी मैं समझाऊंगा, चलेगा? तो देखो बेटा, फर्स्ट करना है, सेकंड भी करना है, थर्ड में क्या करना है, देखो ये वर्ड निकाल देना है, खाली इतना ही करना है। देन बेटा ये भी, हाँ ये दिमाग लगाना है तुमको और करना है, ये भी करना है, ये मैं बताऊंगा। स्टार्ट करो, 5 कर दो बस, छठवा मैं बताऊंगा, आज इतना ही करेंगे बस। चलो फटाफट,
बहन बेटा कोशिश करो, फिर मैं भी बताऊंगा आपको परफेक्ट क्या है। यहाँ पे पहला है, संजय स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000। अगर ये नहीं आ रहा है तो बेटा मैं सही में नहीं पढ़ा सकता आपको। बोलो इसका आंसर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या कैश अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल, कुछ भी चलेगा। ऑनलाइन वाले आ गया क्या बेटा आपका? आया क्या? और एक छोड़ के चला गया भगवान। सेकंड, बॉट फर्नीचर फ्रॉम जेके फर्नीचर मार्ट, पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बेटा, तो एंट्री होगी फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जेके फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जेके फर्नीचर मार्ट। जब भी परचेस सेल में पार्टी का नाम होता है तो उसका अकाउंट क्या होता है बेटा? वो लिखते हैं, कैश नहीं लिखते है। ये दुरुस्त कर लो, मुझे पता है आपका गलत हुआ होगा। बराबर है? वाह, सोल्ड गुड्स टू दीपक, यहाँ पे भी पार्टी का नाम दिया है। बोलो आंसर। ए, पार्टी का नाम दिया तो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बेसिक भूल के कैसे चलेगा? दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गधे लोग। दीपक अकाउंट डेबिट, अरे कितने बार समझाया, सेल परचेस में अगर व्यक्ति का नाम दिया है तो वो आता है, कैश नहीं आता है। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका तो भी बताओ। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैसे क्या कैश डेली क्या गुड्स या परचेस, अमाउंट कितना लिखोगे? 500, क्योंकि कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, बताया कि नहीं? अरे ये पेन मैंने 500 में लाई और ये जल गई, मैं बेचता कितने में भी होऊंगा तो मेरा लॉस कितने का हुआ? 500, वो 600 फंसाने के लिए दिया है, समझे आप? नेक्स्ट, अगर इसका नहीं आए तो बेटा आप जीने के भी लायक नहीं है। आयुर्वेदिक उपचार बोलता घर पे जाके करने के लिए, एक कप में पानी लेने का, रूम को अंदर से लॉक कर लेने का, उसमें नाक दुबाने का, उसको बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। बोलो बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और लास्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन अभी सिखा रहा हूं मैं बेटा। कोई भी फिक्स एसेट जो है उसकी कीमत उसको यूज करने के बाद बढ़ती है या कम होती है, उसको ही अकाउंट में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अभी ये मैंने पेन 10,000 में लिया था, एक साल बाद इसकी कीमत 9,000 हो गई, तो 1,000 रुपया क्या है? डेप्रिसिएशन। पर डेप्रिसिएशन जो है, आप मुझे बताओ ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस, तो डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? डेबिट, डेबिट होना चाहिए। और इससे मेरा फर्नीचर या पेन जो भी अभी डेप्रिशिएट क्या हुआ है, फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ा या कम हुआ बेटा? तो फर्नीचर कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट। बोलो कोई भी बोलो, एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डन, लिखा सबने? लिखा क्या उसका? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब कल आते समय आपको ये करके आने हैं, देखो फोटो निकाल लो अगर बुकलेट नहीं है तो। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मत करना, ये भी मत करना। चलो एक भी मत करो उसमें। ये वाला करके आ जाओ, 6 नंबर, 5 करना ही नहीं है, 6 वाला करके आओ। ठीक है, दिमाग लगाना जरा अच्छे से। हाँ चलेगा, अलाउड करोगे क्या कि यहीं पे करोगे? घर पे करेंगे? मम्मी पापा गुस्सा आएगा बहुत पढ़ाई कर रहे बोल के, चुप, फ्यूचर में पढ़ाने का खर्चा बढ़ने वाला है। करोगे क्या? ऑनलाइन वाले करोगे बेटा? जिनके पास बुकलेट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। कल अब्सेंट मत रहना, कल मैं जीएसटी सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलो बाय।